मला काय माहित, मला काय माहिती काय, तू सोसायटीचा सेक्रेटरी आहे, तुला माहिती होणं पाहिजे. माहिती होणं पाहिजे काय बोलते जेठालाल, ऐसा बोलते की माहिती असायला पाहिजे. तू अभी मेरी मराठी का सुधारा, पता लगा ये किसकी गाडी आहे. तुम्हारा कोई कस्टमर तो नहीं है ना, जिससे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो और जो तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे आ गया हो. पिडू तू भी कमाल करता है यार, ऐसा होता तो वो गैराज में आता ना, सोसाइटी में क्यों आता यार. नहीं नहीं छोटी, हो सकता है उसको गैराज में ही आना था, लेकिन वो क्या गाड़ी के ब्रेक फेल हो गई है ना, तो गैराज में गाड़ी रुकी नहीं होगी, तो चलते चलते यहाँ तक आ गया. पर जेठा ब्रो मैंने ऐसा कोई फोन तो आया नहीं. अरे तो फिर कौन है, किसकी गाड़ी है ये. अरे किसकी गाड़ी है, पहले इसे रोको तो सही. हाँ किसी भी हालत में रोकना तो पड़ेगा, कहीं ड्राइवर का संतुलन गया, उसने गाड़ी ठोक दी तो किसी को लग सकता है. बापू जी यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, एक काम कीजिए जैसे गाड़ी उस तरफ जाए आप दौड़ के घर पे चले जाइए. मैं काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ बापू जी, मैं आपको उस पर ले जाता हूँ. चलो चलो अरे उधर किधर भाग. पिता जी आप तो नीचे आ गए, जल्दी ऊपर जाइए. वही तो देखते हैं कोई क्या चल रहा है यहाँ. अरे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई बबीता जी, लग सकता है ऊपर जाइए. अरे एक गाड़ी को रोको, अरे सोड़ी कुछ कर, सोड़ी सोड़ी. अरे गाड़ी में ऐसा है कौन, ये क्या हो रहा है. ए, अरे मुझे छोड़ के घर जाओ, मुझे बाहर निकालने की जगह तू अंदर क्यों आया. अरे रुके को रोक देंगे. पुलिस तो निहाल. आयशा आयशा से बोलो क्या होता है. अच्छा जी से बोलो आयशा, जोर से बोलो छोटी से बोलो आयशा. चलो फ्रेंड्स अभी हेल्प करते, चलो 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 आयशा. आयशा
पिताजी, टेंशन मत लेना, मैं अभी गाड़ी रोक दूंगा। और आगे देखो ये भाई, इधर पीछे क्या देख रहे हो? अभी तक तो नहीं हुई। तेरी आवाज अर्जुन कपूर जैसी क्यों लग रही है? अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं। रिएक्शन बाद में देना, छुप जाओ, कभी ब्लास्ट हो सकती है गाड़ी। छुप 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 छुप। थैंक गॉड गाड़ी रुक गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खूबसूरत आवाज है। लियाना जी, बिकॉज हमारे सोसाइटी में इलियाना डिक्रूज। ये भगवान, जागते हुए ऐसे सपने दिखाना अच्छी बात नहीं है। मुझे भी ये सब पूरे सपने जैसे लग रहे हैं। हाँ यार, पता नहीं गाड़ी की ब्रेक कैसी फेल हो गई। मतलब आप दोनों सच में यहाँ मेरे पास है? अरे बहुत टाइम हो गया, गाड़ी अभी तक ब्लास्ट नहीं हुई। ऐसे कैसे ब्लास्ट होगी, अनिल कपूर की गाड़ी है। अरे अनिल कपूर की गाड़ी गोकुलधाम में थोड़ी है, क्या लंगूर जैसी बात कर रहा है। लंगूर? अरे मैं कपूर हूँ, लंगूर नहीं हूँ, कपूर फ्रॉम चेंबूर। राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, रणबीर कपूर, सब चेंबूर। दिस ऑल्सो फ्रॉम चेंबूर, कपूर फ्रॉम चेंबूर। अरे ये तो साक्षात अनिल कपूर जी, हंसी भी वही है। अरे हंसी नहीं, शक्ल भी वही है। बुला अपने सोसाइटी वाले को, अनिल कपूर आए हैं। अनिल जी, आप मेरे गले मिलिए, मेरे मिलिए। अरे काम वालों, अरे वालों, सोसाइटी वालों, आ जाओ आ जाओ, अनिल कपूर आए ना इधर। देखो कौन है। अरे वाह, ये तो मतलब ये कैसे चमत्कार हो गया। अरे पापा, यहाँ पर देखिए अर्जुन कपूर जी भी आए हैं। अर्जुन सर, अर्जुन सर, माय गॉड। अच्छा चलो, इलियाना जी, इलियाना निक्रोस जी और अक्षय शेट्टी जी भी आए हैं। बाय 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 बाय। पानी का।
वो गिर जाएंगे। नहीं नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। अरे आज तक मुझे किसी ने घुमाया नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। अर्जुन कपूर जी, अर्जुन भाई, पहली बार मुझे किसी सुपरस्टार ने उठाया, ये तो अपने गोकुलधाम में पहली बार हुआ जी। और लेडीज को मैंने उठाता सिवाय अपनी रोशन के। हम अपनी फिल्म मुबारक की प्रमोशन के लिए जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो इसीलिए। अच्छा हुआ गाड़ी को ऐसा हुआ, यहाँ गए। मुझे एक वायर निकल गई थी और गड्डी को एकदम टिच कर देता, फर्स्ट क्लास ब्रेक मारेगी। थैंक यू। आप लोग तो मुझे पहचानते लेकिन इन लोगों को पहचानता ही नहीं है। ये आपका नाम? अतिया। हाँ, इनका नाम है अतिया शेट्टी है, तो सुनील शेट्टी साहब की बेटी है। और ये इलियाना आप कहाँ? इलियाना डिक्रूस। हाँ इलियाना जी, मायसेल्फ पोपट लाल, बहुत अच्छा बंदा है। और ये है मेरे चाचा अर्जुन कपूर। मैं इनका चाचा, चाचा मेरा मतलब है इनका भतीजा हूँ, थोड़ा चाचा कैसे हो सकता, भतीजा हूँ ना इनका। सही बात है यार, मैं किसी एंगल से मैं इनका चाचा लगता हूँ, आप ही बताइए यार। बिल्कुल नहीं। अरे अनिल कपूर जी, आप तो एवर ग्रीन है और एवर 18 है। नहीं देखा। वैसे सच कहूं अनिल जी, आप दोनों चाचा भतीजा लगते ही नहीं हो, दोनों भाई लगते हो। बराबर कहा बापू जी। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे छोटे भाई, मैं इनका बड़ा भाई है ना। नहीं एक्चुअली सच बात तो ये है कि मेरे जो पीढ़ी के बाकी सारे कलाकार सारे एक्टर है ना, वो भी इनसे जेलस है, इनसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कैसे दिखते इतने क्यूट, इतने यंग, इतने हॉट, इतने स्वीट। थैंक यू। वैसे अनिल कपूर जी, आप सबका, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बोले तो एकदम झकास स्वागत करता हूँ। भिड़े अंकल, आप अनिल सर का डायलॉग क्यों मार रहे हो? वो सिर्फ अनिल सर पे शूट करता है, झकास। नहीं, बोलने दे, एक बार जरा वापस बोलना, ट्राई कर। झकास, एकदम बकवास। देर से बोला नहीं जाएगा, ये मेरे को भी बोलना पड़ेगा। खास आप ही बोल सकते हो, आज तक खाली फिल्मों में देखा इनको झकास बोलता है, आज ऐसे प्रत्यक्ष से देखने को मिला है। कान तृप्त झाले माझे, ओरिजिनल ऑलवेज ओरिजिनल। आप लोगों की ये सोसाइटी में आकर मुझे भी एकदम झकास लग रहा है। इलियाना अतिया, यू बोथ आर लुकिंग सो प्रिटी। एब्सोल्युटली, थैंक यू। अरे आप क्यों थैंक यू कह रही है? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए उस ब्रेक को। अरे भाई, वो ब्रेक फेल हुई इसीलिए तो आप हमारी सोसाइटी में आई और हमें आपसे मिलने का मौका मिला। ईश्वर करे आपके कार के ब्रेक रोज इसी तरह फेल होती रहे। क्या बोल रहे हो बुड़बक? इनका कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी बहाने से आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रोज आते रहे बस। अरे रोज की बात छोड़ो, आज की बात करते हैं। आप लोगों के बारे में जो कुछ भी सुना मैंने, सही सुना? आपने हमारे बारे में सुना है? Of course. क्या सुना है, किसे से सुना है? अरे जो भी सुना है बहुत अच्छा सुना है। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोग हैं ना, जो आप सबको जानते हैं, आप सबसे मिल चुके हैं, बहुत तारीफ करते हैं, अच्छा अच्छा ही बोलते हैं आप सबके बारे में। अरे
आज का दिन सचमुच का मुबारक है। हम लोग मुबारक की प्रमोशन के लिए जा रहे थे और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई। How sweet of you, thank you. वैसे अनिल जी, हमारे लिए भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक है। आप सबसे मुलाकात जो हो गई। अब मैं आपका सबसे परिचय कराता हूँ। ये है हमारे पत्रकार पोपटलाल जी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, ओनली एलिजिबल बैचलर इन द कंट्री। ये है हमारे सोडी प्रा, उठाओ गिर सोडी प्रा। सत्रीकाल। ये है हमारी शरारती टप्पू सेना, हाय। उसके बाजू में है रोशन भाभी, अंजलि भाभी सर जी, और ये हमारे डॉक्टर हाथी और उनकी धर्मपत्नी कोमल भाभी। नमस्ते। नमस्ते। हाय। और यहाँ पे ये हमारे अब्दुल मियां, ये है हमारे साइंटिस्ट अय्यर साहब, वड़कम वड़कम वड़कम, और उनकी धर्मपत्नी बबीता जी। हाय, नमस्ते। ये मेरी धर्मपत्नी माधवी जी। नमस्कार। नमस्ते। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बोल दिया। ये है हमारे चंपक चाचा जी, मेरा बापू जी। ये जेठालाल जी, और ये मेरी धर्मपत्नी दया। जय जी मिंद्र। जय भाभी अपनी गरबा क्वीन। ओ ओ ओ ओ ओ दया, सुना तूने? अनिल कपूर जी को भी पता है तू गरबा क्वीन है? वैसे अतिया जी, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। जी बिल्कुल पता है, बचपन से ही मैं नवरात्रि में गरबा खेलती थी। वाह, क्या बात है भाई। इसे कहते हैं ट्रू इंडियन। साउथ इंडियन होने के बावजूद भी आप गरबा खेलती है, देश के सारे लोक नृत्यों के बारे में जानती है। नहीं नहीं, सिर्फ गरबा। वाह, ये भी बहुत काबिले तारीफ बात है। वैसे पूरे बॉलीवुड में आपका गरबा मशहूर है, मतलब रणवीर सिंह को भी आपने सिखाया ना, वो तो पूरे बॉलीवुड में चर्चा चलती रहती है। वो तो एक अफवाह है। अच्छा अफवाह। पर अगर अफवाह है, पर अगर मौका मिलेगा तो मैं जान मार दूंगी। मुझे लगता है छुप छुप के वो देख के गए होंगे हमारे इधर नवरात्रि में, भेष बदल का है वो, शायद तुझे ऐसे छुप छुप के देख के फिर सिखाओ है, बोल नहीं सकते कुछ। पता है, जस तो नहीं लेना है। अच्छा दया भाभी, वो आरती कहाँ है? आरती आरती बनिया कोई नहीं है। क्या बात करो, वो आरती नहीं, आपकी फेमस वाली आरती, पूरे बॉलीवुड में मशहूर है, जो आप सबकी उतारती है ना, वो वाली आरती। क्यों नहीं? तेरी आरती के बारे में भी इनको पता है, पूरा वो घर काम करके आए। घर काम? हाँ, वो तो वो बच्चों को देता है ना पनिशमेंट। अरे वो तो तू ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं करते तो देता है ना। अरे वो नहीं भाई, वो रोज पढ़ाने के बाद बोलता है ना घर जाके करो घर काम। होमवर्क पढ़ाई से सिलता है। अच्छा होमवर्क। ओ, 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 ओ। अच्छा। अगर आपको एतराज ना हो तो आरती भी हो जाए। क्यों नहीं, अभी आएगा। वो क्या, वैसे तो इसकी आरती तैयारी रहती है, लेकिन आज आप लोग अचानक आ गए ना। तो कोई बात नहीं, दो मिनट दीजिए, अभी फटाफट तैयार हो जाएगी आरती। सबके दिल में सिर्फ आपके ही आपका फायदा मोटा होता रहे और आप बारीक होते रहे स्वास्थ्य की दृष्टि से। आपका हर दिन खासम खास हो और हर काम जहाज भी। आइए बधाइए अनिल कपूर जी। बधाइए अनिल भाई कपूर जी। दया बहन, आपके आरती के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था गलत सुना था।
मतलब? हाँ। सुना था कि आपकी आरती अच्छी है। अच्छी नहीं है, एकदम डरावना मजाक करते हैं। लेकिन आप सबसे मिलकर मुझे एक चीज आज पता चली, आप में और मुझ में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है। क्या क्या? इंडिया इंडिया इंडिया। अरे समझा नहीं भिड़े, वो भी इंडिया के, हम भी इंडिया के, तो सेम सेम हुआ ना। ये कॉमन नहीं हो सकता, मतलब कुछ अलग होगा उनका मतलब। क्या कॉमन क्या है? आपकी सोसाइटी को लोग मिनी इंडिया कहते हैं और मुझे क्या कहते हैं? मिस्टर इंडिया। हाँ हाँ, लाया लाया बापू लाया। और आज मिस्टर इंडिया की मिनी इंडिया से मुलाकात हो ही गई। अच्छा आधिया जी, सुनील अन्ना क्या कहते हैं? एकदम फिट एंड फाइन। अरे सुनील अन्ना की बॉडी तो मतलब अभी भी आज मसल देखे नंबर वन बलवाने, फर्स्ट एंड ओनली बलवाने इंडस्ट्री के, मसल के साथ मसल का रख देंगे। वैसे सच कहूं, बॉडी फिट एंड फाइन रखने के लिए डाइट पे तो एकदम कंट्रोल होना चाहिए। नहीं ये डाइट फैट ये अर्जुन से लोगों को करना पड़ता है। मैं तो नेचुरली फिट हूं एकदम। वाह, मैं भी अनिल भाई, मैं भी जो जिम है खा ही लेने का। मैंने सुना है कि आपको गुजराती खाना बहुत पसंद है, आप हमारे घर पे चलिए ना। हाँ आइए आइए, ये दया इतना जबरदस्त गुजराती खाना बनाती है, आप खाते ही पागल हो जाएंगे। पागल होने का भी टाइम नहीं है, नॉर्मल होकर पिक्चर को प्रमोट करना है और आगे भी पिक्चरें करनी है मुझे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है चाचू, एक काम करते चलते हैं ना। ये चाचू चाचू क्या लगा रखा है, तो अपने रिश्ते को क्यों भूल जाता है? छोटे भैया चलते हैं ना। नहीं चल सकते हैं, पिक्चर की प्रमोशन करनी है। भाभी देखिए जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। हाँ। एक बार पिक्चर हिट हो गई ना तो सेलिब्रेट करने हम आप ही के घर में आएंगे। करेक्ट। वाह वाह वाह, देखिए आपने वादा किया है, बात मुकरना नहीं है। ये नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत। नहीं, 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 हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। नहीं नहीं, मैं अकेले आऊंगा। नहीं नहीं, हम सब आएंगे। चाचा भतीजा के बीच में मीठी नोक झोंक हो रही है। चाचा भतीजा नहीं, दो भाइयों के बीच में मीठी नोक झोंक हो रही है। अर्जुन जी डोंट फील बैड, लेकिन आज के बाद है ना की एंड का जैसा पिक्चर मत करना। क्यों? अच्छी तो पिक्चर थी यार, उसमें तो मैसेज वैसेज भी था। हाँ मैं बताती हूँ एक्चुअली की एंड का देखने के बाद ना मैंने यार से शर्त रखी थी कि देखते हैं कि एक हफ्ते के लिए तुम हाउस हस्बैंड बन सकते हो कि नहीं। अर्जुन जी एक वीक तक पूरे घर का काम मेरे को करना पड़ा। वेरी गुड बॉबी। ओहो ओयगो बबीता जी, ये तो आपने बहुत गलत किया। नहीं मतलब सिर्फ एक हफ्ते से कैसे होगा, कम से कम एक महीना तो करवा के देखना चाहिए था। यस गुड आइडिया। बराबर बराबर अर्जुन भाई बराबर। अर्जुन जी किधर फंसा रहे हैं आप मेरे को? But I must say, Arjun, you were too good in the film. Yes, बहुत अच्छा। Thank you so much. Actually ना कोमल जी, वो role ना मेरे लिए बहुत ही challenging था। और challenging role इन्हें करने ही पड़ते हैं। Competition कितना stiff है। कहाँ पर है competition? ओह हाँ आप हाँ आपको हाँ competition हाँ बहुत stiff है। करेक्ट करेक्ट। अनिल जी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना आपका बहुत बड़ा फैन था। कॉलेज से निकाल दिया? अभी मैं कॉलेज में कैसे रह सकता? नहीं नहीं मैं स्टूडेंट था ना तब की बात कर रहा हूँ, तब मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। क्यों अभी नहीं है?
नहीं नहीं मैं अभी भी हूँ, मतलब कॉलेज के जमाने से आपका फैन हूँ। हाँ मैं जब कॉलेज में था ना तब आपकी फिल्में देखने के लिए गुठली मारता था। बाबा गुठली मारते थे और हमें बोलते हैं। हाँ जब ये छोटा बच्चा था बड़ी बड़ी गुठली मारता था। नहीं नहीं खलाल ऐसी बात नहीं है। और सोनू बेटा मैं रोज गुठली नहीं मारता था, जिस दिन अनिल जी की पिक्चर रिलीज होती थी ना उसी दिन गुठली मारता था। और मजे की बात यह कि मैं पकड़ा भी नहीं जाता था। क्योंकि जब भी मुझे बाबा पूछते अरे कौन सा पिक्चर देखने गया था, तब मैं बोलता था कि मैं ईश्वर, किशन कन्हैया, राम अवतार ये सब फिल्में देख के आया। तो लगता था कि मैं धार्मिक फिल्में देखने गया था। वो तो अच्छा हो गया मास्टर जी कि आपके बाबा ने आपको तेजाब, लोफर, जिंदगी और जुआ जैसी फिल्में देखते हुए नहीं पकड़ा, वरना आप पर ही तेजाब फेंक देते। और आपकी जीवन एक संघर्ष हो जाती है। अनिल सर एक बात कहूं मैं आपसे, वो आपका लम्हे पिक्चर था ना वो देखने के बाद मेरा दिल टूट गया था, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। क्यों 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 लम्हे तो वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर, पिक्चर तो मेरे सब अच्छी की, लम्हे वाज वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म। पिताजी क्या हो गया यार भाई को, कैसी बातें कर रहे हैं। कल अर्जुन जी को बोला की का जैसा पिक्चर मत करो, अभी अनिल जी को बोल रहे दिल टूट गया लम्हे ऐसी पिक्चर मत करो, क्या मतलब ये? नहीं नहीं लम्हे पिक्चर बहुत अच्छा था, एकदम एक्सीलेंट पिक्चर था, लेकिन क्या है उसमें आपने जो मूंच निकाल दिया था ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्या है उस टाइम पे हमारा साउथ इंडिया का सब एक्टर का ऐसा बड़ा बड़ा मूंच होता था और बॉलीवुड में सिर्फ आप एक ऐसा एक्टर था जिसका बड़ा मूंच था और आप मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे, लेकिन लम्हे में आपने वो मूंच निकाल दिया ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। क्यों निकाला आपने, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं वो पूछ रहे, वो क्या फिल्म की रिक्वायरमेंट थी ना, वो क्या है मैं फर्स्ट हाफ में जो है श्रीदेवी से छोटा होना था मुझे और सेकंड हाफ में श्रीदेवी जी से बड़ा होना था। फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं लम्हे टू करूंगा ना तो कॉम्पनसेट करूंगा, मूंछे भी रखूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा। खुश हाँ बस मूंछ मत निकालना और उसके लिए नंडरी 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 क्या मतलब थैंक यू सो मच। थैंक यू अय्यर भाई आपने खुद ने साउथ इंडियन के मुछे रखे नहीं है और अनिल भाई को बोल रहे। जड़ालाल मैं पहले से ही मुछ नहीं रखता हूँ, पर अनिल सर तो जब से पिक्चर में काम करना शुरू किया तब से मुछ रख रहे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप माय नेम इज लखन वाला बताइए ना उनको, शर्मा क्यों रहे हैं बताइए ना, कुसर कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं अनिल जी, वो ऐसे ही कुछ नहीं, कुछ तो कर रहे हैं, क्या कुसर कुसर लगा रखा है। बताइए ना इनकी वजह से ही तो बनवाई थी आपने। मेरी वजह से क्या बनवाया था आप लोगों ने? विग विग बताइए ना, अनिल जी साक्षात हमारे सामने खड़े, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हो, 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 हो। आपको मैंने बताया ना अनिल जी की मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कॉलेज के जमाने से, मतलब उस वक्त मुझे आपकी हेयर स्टाइल इतनी पसंद थी। वो तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने आपके जैसे विग बनाई थी, मतलब आपके लुक की। अच्छा अच्छा मतलब भिड़े तू कॉलेज के जमाने से उजड़ा चमन है। अगर कॉलेज में तुम्हारा नाम चमन था। अरे अय्यर भाई उजड़े चमन का मतलब क्लीन बोल्ड, और क्लीन बोल्ड मतलब सीधे का सीधे मतलब टकलू। अरे तुमसे काय चल रहे, अरे पोपटलाल क्या हुआ था, डांस कंपटीशन थी और मैंने अनिल जी का गाना है ना वो माय नेम इज लखन, उसमें मैंने डांस किया था तो मैंने हूबहू अनिल जी का गेटअप लिया था, उनकी जैसी वीक पूछे फुल ड्रेस में सब। हाँ, और माय नेम इज लखनी कॉक द फेवरेट तो गाना है।
अरे मेरा भी इनका क्या, मेरा भी फेवरेट गाना है दिना जिंदा। अरे आज असली लखन है और आप भी हो तो हो जाए। क्या बोलते गोकुलधाम वालों, हो जाए हो जाए। ठीक है, मैं अभी गेटअप चेंज करके आता हूँ। आ जाओ आता हूँ आता हूँ। अच्छा अनिल जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अनिल कपूर बन के आता हूँ, फिर आप भी मेरे साथ वो माय नेम इज लखन पे डांस करेंगे ना? हाँ वो तो करेंगे ही ना भाई। 100% जाइए तैयार हो क्या? अभी आया। जब तक भीड़ अंकल अपना गेटअप चेंज करके आते हैं, तब तक आपकी फिल्म के बारे में कुछ बताइए ना। मुबारक जो हमारी फिल्म आ रही है, हम सब जा रहे थे उसी के प्रमोशन के लिए। एक्चुअली एक फुल प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर, जैसे आप सब हो, एक फैमिली की तरह रहते हो, हमारी फिल्म भी एकदम पारिवारिक है। उसमें अनिल चाचू मेरे चाचा भी है और मेरे मामा भी है। अब वो कैसे हैं क्यों है वो तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा। मैं दो किरदार निभा रहा हूँ। Oh my God, यानी डबल डोज ऑफ लाफ्टर। करण और चरण, करण जो है वो लंदन में पला बड़ा है और चरण जो है वो चंडीगढ़ में पला बड़ा है। दोनों है जुड़वा लेकिन बड़े होते हैं कजिन्स बन के। अब वो कैसे होता है उसके लिए भी आपको देखनी पड़ेगी हमारी फिल्म मुबारक। और बहुत सारी कंफ्यूजन हैं और हंगामा है और उन्हीं कंफ्यूजन और हंगामे में मैं इन दोनों की शादियां मैं करवा। अनिल जी आप इनकी शादी करवा दो तो मेरी भी शादी करवा दीजिए, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी आपके भतीजे जैसा ही हूँ। पोपटलाल जी मैं रियल लाइफ में कोई मैरिज ब्रोकर नहीं हूँ, ये मैं फिल्म में करवाता हूँ। पोपटलाल क्या तुम भी? नहीं फिर भी आप इतने बड़े स्टार है, आपकी इतनी जान पहचान है, देखिए ना फिल्म इंडस्ट्री में नहीं तो आसपास में कोई भी मतलब ऐसे है। अब मेरे को बाहर मिलना, मैं डिस्कस कर। सब खाली ऐसा बोलते हैं बाद में मिलो बाद में मिलो, लेकिन मिलता कोई नहीं। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। अरे डोंट वरी पोपटलाल जी, आपकी शादी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगी और आपकी होने वाली वाइफ भी बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू इलीना जी, अंतिया जी, आप दोनों की शुभकामना मेरे साथ है तो मेरी शादी जल्द होगी। ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता, आप लोगों की तो जरूर सुनेगा ना। सही बात है। हाँ अर्जुन कुछ फिल्म के बारे में बोल रहे थे आप। नहीं मैं बोला था शादी आप किसकी किससे करा रहे हो? करण करना चाहता है शादी स्वीटी से यानी कि एलियाना के किरदार से, पर उसकी शादी फिक्स हो जाती है बिंकल से यानी कि अध्या के किरदार से। और चरण की शादी फिक्स हो जाती है अलियाना के किरदार से, पर वो प्यार कर बैठता है अध्या के किरदार से। और ये सारी कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? आप। और सॉल्व कौन करता है? आप। कंफ्यूजन भी वही क्रिएट करते हैं और वही सॉल्व करते हैं, पर कैसे करते हैं उसके लिए आइए 28 जुलाई को। और आप सब 28 जुलाई को मुबारक देखना मत भूलेगा, ठीक है? मुबारक के लिए हमारा इंडिया गोज मुबारक नाम का कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पे सब फैमिलीज को मुबारक स्टेप करते हुए वीडियो बनाना है और हमें भेजना है। और जो भी लकी विनर होगा उसे मिलेगा चांस हमारी मुबारका फैमिली के साथ डांस करने का, और वो भी उनके घर पे। दो बार देखना। कपूर जी के फिल्म में हो तो देखनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं अर्जुन भी है। और मैं दो हूँ इस बार, तो आप दो बार देखना। हाँ खास तो इलीना जी है, आतिया जी है, देखना पड़ेगा। अनिल जी मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है। अनिल कपूर जी, अर्जुन कपूर जी, आप दोनों एक साथ पहली बार सरदार जी बन रहे हो। ओए ओए क्या हैंडसम लग रहे हो जी, मुबारक। और ये दिल से दुआ आपके पिक्चर सुपर नहीं सुपर डुपर हिट हो। हाँ अर्जुन सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, और खास करके वो सरदार जी वाले लुक में। ओए तुसी तो हीरो लग रहे हो, हीरो, आई लव यू। अनिल जी आप सबको आपकी आने वाली फिल्म मुबारक की सफलता के लिए हम सबकी ओर से अभी से बहुत 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 मुबारकबाद। थैंक यू चंपक। चाचू मतलब भैया, छोटे भैया, इनको तो चाचू बोला तो कुछ तो लिहाज। आई एम जस्ट जोकिंग। थैंक यू चाचा जी। अरे कोई बात नहीं जी, चलो जी, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। मजा क्या सब है, हमेशा ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहो और खुश रहो बस। अरे सूरी तुझे पता है अनिल कपूर जी का और हमारे आसित कुमार मोदी जी का बर्थडे एक ही दिन को है, 24 दिसंबर। ये गल कर रहे हैं पप्पू, ये तो कमाल हो गया। मुबारक जी, मुबारक जी, मुबारक।
अरे मास्टर जी कहाँ गए? अब तक रेडी होकर नहीं आए। अरे मास्टर जी को बुलाओ भाई। हाँ हाँ आ ही रहे होंगे। अरे मास्टर जी आओ भाई। पहचान भी नहीं आ रहा है। क्या बात है। कैसे भिड़ लोग एकदम झकास। मैं इतना बुरा लगता था। तो बजाइए ना चुटकी। गोकुल धाम निवासी बिल्कुल फूलों की तरह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं और कोई तितली पास में आए तो उसे दोस्त बना लेते हैं। अब देखिए ना, अनिल कपूर को, अर्जुन कपूर को, आतिया को, इलियाना को, हम सब लोगों ने इन्हें दोस्त बना लिया, इनका दिल जीत लिया। आप भी इनके दोस्त बनिए। अरे भाई 28 जुलाई को कॉमेडी से भरपूर मुबारक रिलीज हो रही है, उसे देखने जाइए और इनसे दोस्ती कीजिए। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी और मस्ती इसी तरह जारी रहेगी। क्या होता है ये जानने के लिए सोमवार को मिलते हैं 8:30 बजे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।